नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चुनावी चौपाल। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम सभी 200 विधानसभा सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए बांसवाड़ा क्षेत्र का सियासी माहौल, संवाददाता आकाश सेठिया के साथ। आज बांसवाड़ा शहर से हम यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ आम जनता के साथ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं, जिनसे हम यहाँ जो क्षेत्र में हुए कार्य से संतुष्ट है या नहीं, और साथ ही आगामी चुनाव में किस तरह की प्रतिक्रिया के साथ वो धरातल पर और किस तरह से मैदान में उतरेंगे, और उसी चर्चा को लेकर आज यहाँ जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। साथ ही जो कार्य किए हैं उनसे उसको पूरी तरीके से चर्चा कर पूरा करेंगे। जी आप बताइए, जो अपने विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस तरह का कार्य हुआ है, क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है? बैठ के बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास के बहुत कार्य हुए। कल ही मैं मकनपुरा एरिया में गया था और पूरे एरिया में बहुत सारे पुल बन रहे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई है, छात्रावास बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक पुल तो एक 26 करोड़ का बन रहा है, उसका भी काम करीब करीब पूरा होने वाला है। अच्छा, जो हमारे विधायक है, वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, उनके प्रति बहुत अच्छा लोगों का रुझान है। यहाँ की जनता जो पार्षद है उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे पूरे कार्य के बारे में, और साथ ही जो स्थानीय लोग उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, जो शहर में जो कार्य हो रहे हैं उसके पूरा क्या? शहर में जो कार्य हो रहे हैं उसमें मानव सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अभी लेटेस्ट हमारे एक पार्षद ने अपनी जान की आहुति दी, दो श्रमिकों ने अपनी जान की आहुति दी। जो कुछ हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश इतना भी न हो कि लोग अपनी जान को तरस जाएं। कोई गुणवत्ता के काम नहीं हो रहे शहर में, जिसके कारण जनता जो है वो खड्डों में गिरने को मजबूर हो गई है। देखिए, अभी हमारे पूर्व साथी ने, विपक्ष के साथी ने ये बोला कि शहर के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन गड्ढे के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई कार्य निर्माण के लिए चालू किया जाता है तो सड़क, एक सड़क खराब हुई और एक सड़क को कार्य करने के लिए खोदा गया, उन दोनों बातों में काफी फर्क है। अगर सड़क को खोद के उसका फिर से निर्माण हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं विकास का कार्य हो रहा है। विकास का कार्य आप ये देखना चाहे तो आप हमारे चौराहे को देखिए, जिसमें हमारे सभापति जी, हमारे जुझारू सभापति और युवा सोच के साथ युवा नेतृत्व है इस शहर का, वो जनेंद्र त्रिवेदी जी और हमारे मुख्य, हमारे जो मंत्री जी है अर्जुन सिंह जी बामनिया, उनके दोनों की जुगलबंदी से इस बांसवाड़ा के अंदर सभी चौराहे का जो कायाकल्प हुआ है आज तक कभी भी एक, अभी आज राजस्थान में कोटा शहर को शांति धारीवाल जी ने पूरी तरीके से एक विकसित किया है, एक मॉडल के रूप में किया है, उसी का ही पूरा पर्याय अगर ये माने कि छोटे रूप में देखें तो बांसवाड़ा के अंदर हमारा उसी तरीके से कार्य हो रहा है और शहर की जनता खुश है। एक सिर्फ बातों में कहना कि खुश है, और उसके अलावा अगर लोगों से सही रूप से अगर आप गली गली में जाने, अगर विकास के कार्य हो रहे हैं शहर, सड़कों में हो रही है, सबसे बड़ी बात कि जो कार्य हुआ, सबसे बड़ा जो कार्य हुआ वो कार्य हुआ कि हमारे फिल्टर प्लांट के थ्रू आज सभी घरों के अंदर सप्लाई होगी पानी की, 24 घंटे सरकारी पानी आएगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बांसवाड़ा शहर की कि जिसमें आज तक कभी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि जहां पे फिल्टर पानी आएगा, लोगों को जो फिल्टर पाल से बोतलें मंगाने की जरूरत है वो बोतलें मंगवाने की भी जरूरत नहीं है, वो सड़क पूरा जो जितना भी पानी है वो डायरेक्ट यहां पर लोगों के घरों में पूरी तरीके से आएगा। रही बात दूसरी, हर तरीके में हर वार्ड के अंदर हर जगह पे गार्डन, सामुदायिक भवन, जितने भी हमारे दूसरे सर्व समाज के जो मंदिर है, उस हर मंदिर में आप देखिए कि पास में एक सामुदायिक भवन या तो बन चुका है या उसकी शिलान्यास हो चुका है या वो निर्माणाधीन है। तो अगर ये कार्य किया है तो राजस्थान के सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को पूरी तरीके से पूरा करने के लिए हमारे मंत्री जी भी लगे हुए हैं और हमारे सभापति जी भी लगे हुए हैं, और नगर परिषद की तरफ से पूरी तरीके से शहर के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इनका कहना है कि सभापति और जो मंत्री हैं दोनों साथ में मिलकर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसी को लेकर हम जानेंगे कि जो शहर की प्रथम जो सड़कें हैं जो आने के लिए, उसमें कार्य किस तरह का हो रहा है? बांसवाड़ा जो शहर का क्षेत्र है, यहाँ के जो मंत्री है विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने चुनावी घोषणा में कहा था कि बांसवाड़ा को रिंग रोड बनाएंगे, और फिर जो जो अंबेडकर चौराहे से, कस्टम चौराहे से जो पुलिया, जो नीचे लोग परेशान हो रहे ट्रैफिक है,
उन्होंने भी कहा था कि मैं अगर 2 साल के अंदर मैं अगर ये कार्य नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और एक कहा था उन्होंने क्षेत्र के जो पानी जो लाइट है वो अंडरग्राउंड कराएंगे। आज अभी हमारे पूर्व उत्तान विश्वा है, आम लोग आम एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, और जो घोषणा की वो एक भी काम बांसवाड़ा विधानसभा में नहीं हुए। और क्षेत्र की जनता त्रस्त है, सरेआम चोरी डकैती लूट पाट हो रही है। और यहाँ शहर में उन्होंने अपना व्यापार खोल दिया, जो जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना। यहाँ के मंत्री और जो विधायक हैं उन्होंने अपना क्रेशर प्लांट से सप्लाई करके घटिया से घटिया माल इस्तेमाल किया, रोड बना नहीं इसके पहले उखड़ गया। तो ये जो भ्रष्टाचार बांसवाड़ा में हुआ है और इस क्षेत्र में जो आज हम देखते हैं कि आज 9 अगस्त को आदिवासी दिवस आ रहा है और ये जो भाषा बिल की मूर्ति लगाई उसकी साफ सफाई भी नहीं हुई है। इस आदिवासी क्षेत्र में ना सफाई हुई ना कोई कभी कार्यक्रम होता है तो ना सीढ़ियां भी बनती हैं। तो जो जिस हिसाब से एक मानव मोनोपोली की यहाँ मंत्री ने है कि जनता को लूट के अपना घर भरने का अपने बेटे का विकास हो करोड़ों अरबों रुपये की जो आदमी सुनाव लड़ता है तो उसने अपने अपना खेत जमीन जो मकान बेच के सुनाव लड़ा और आज अरबपति कैसे बन गया, ये सबसे बड़ी बात। अरबपति कैसे बन गया, पैसे आएगा से जनता परेशान है, त्रस्त है। कोरोना काल में भी जनता त्रस्त थी, परेशान थी। मंत्री जाके जयपुर बैठा था और उसने अपना फार्म हाउस में आज भी बकरे और मुर्गियां काटना चालू कर दिया। ये मतलब यहाँ की स्थिति है, वो सतह पैसे डाल के डालो और मतलब अपना व्यापार करो, लेकिन जनता के सेवक नहीं बन रहे, जनता को लूट रहे हैं बांसवाड़ा के विधायक मंत्री। इनका कहना है कि यहाँ के जो मंत्री है वो लगातार जनता के लूट और साथ ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ जानेंगे कि क्या मंत्री किस तरह का कार्य कर रहे हैं, आप बताइए। हमारे साथी पहले तो विकास की परिभाषा तय कर लें, उनकी नजर में विकास क्या है, क्या ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, क्या विकास की परिभाषा नहीं है, क्या शहर की सड़कें जो नई बन रही है, सीवरेज प्लान का काम चल रहा है, शहर सड़कों की चौड़ाई हो रही है, आज शहर का कोई मार्ग ऐसा देख लो जहां पर विकास नहीं दिख रहा हो। इनकी जब सभापति थी तब ये चीज ये बता दे, सरकार में भी ये थे, सभापति इनकी थी, इन्होंने क्या विकास के मापदंड तय किए? केवल सभापति और उपसभापति ने एक शमशान घाट में विवाद के अलावा और कुछ काम कर पाई है? तय ये कर लें, विकास की परिभाषा खुद तय करें, उसके बाद हमें आरोप लगाए कि इन्होंने ये काम नहीं किया। जहां तक इस कार्यकाल की बात है हमें ये अलग से गिनाने की जरूरत नहीं है, मीडिया जानती है, आप जानते हो, ये स्वयं भी जानते हैं क्योंकि ये शहर में रह रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा कोना चाहे उनके घर का भी ले लें, उनके घर का जो गंदा पानी है उसको भी सीवर में डालने का काम नगर परिषद के सभापति जयंत त्रिवेदी ने किया है, ठीक है, उनका काम हमने किया है। उनके सभापति के 3 काम कोई ऐसे गिन के बता दें जो पूर्ववर्ती सभापति रही है, उनके 3 ऐसे काम गिन के बता दें जो शहर की जनता को और विधानसभा को बताया जा सके कि ये काम हमारा है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि आज की तारीख में बांसवाड़ा का जो डेवलपमेंट है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बदौलत। इनका कहना है कि जो पहले जो डेवलप नहीं हुआ उससे ज्यादा डेवलप इस बार हुआ। अभी हम जानेंगे जो हर जो शहर की कॉलोनी है उसमें किस तरह का कार्य हो रहा है। शहरी कॉलोनियों में जिस तरह कार्य हो रहा है, हमारे साथी विपक्ष में कुछ पार्षद भी बैठे हैं, आप उनसे अगर ये चीज पूछोगे तो ज्यादा वो बता सकेंगे कि उनके वार्ड में कितना काम हुआ है। हमारे पार्षद बैठे हैं, उनसे पूछोगे हर कॉलोनी में, मतलब सीवर का काम हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हमने जो ताकत दे रखी है वोट की जनता को, उस वोट के बदले सरकार बनती है जो 5 साल चलती है, उसको कुछ मूलभूत सुविधाएं जनता को देनी पड़ती है, उसमें चिकित्सा शिक्षा रोड इसके अलावा पेयजल सब, और उसी के बिहा पे आज जो इतनी बड़ी पेयजल की जो सीवरेज का काम चल रहा है। और मैं तो नुटसिको से भी हमारी बात होती है, वो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि पूरे राजस्थान में एग्जांपल सेट होगा कि जो 5 साल का काम 3 साल के अंदर अंदर खत्म होकर लोगों के घर में पानी पहुंच जाएगा। आज लगभग सभी जगह पूरा बांसवाड़ा काम हो गया और लगभग 2 महीने के अंदर ये जितने भी 7-7 जोन में पेयजल की पूरी सप्लाई चालू हो जाएगी। आज ऑडिटोरियम बन रहा है, कितना बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है, कम से कम 5 करोड़ का, उसके अंदर हर सुविधा, मतलब बांसवाड़ा वालों ने जो सोचा नहीं था वैसा काम हो रहा है। आज कॉलेज के बाहर का पाथवे देख लो, आज नूतन के बाहर का पाथवे देख लो, इस तरह के काम जो मतलब ये सभी काम एक विजन से ही होते हैं। पूर्ववर्ती बोर्ड में भी था, उन लोगों ने उनको नकार के हमको बिठाया, तो कहीं ना कहीं हम पे भरोसा किया था, सभापति पे भरोसा किया था, हमारी सरकार पे भरोसा किया था, हमारे मंत्री पे भरोसा किया था, और उस भरोसे पे हमारे सभी लोग खड़े उतरे हैं। और उसी अगर कोरोना नहीं होता तो शायद ये विकास और उस सीमा तक पहुंच गया होता जहां ये कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसके उसी तरह तक ये काम चल रहे हैं। हमारे साथ युवा भी, उनसे भी हम जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रही हो जैसे राजस्थान सरकार काम कर रही है, शिक्षा के बारे में आप क्या शिक्षा जैसे अब शिक्षा में इतनी सुविधा मिल रही है हर चीज में, विद्यार्थी को आज देख लो 9वीं से 12वीं वालों को मोबाइल
मिल रहे हैं अभी आने वाले 10 अगस्त को मोबाइल मिल रहे हैं, स्कूटी मिल रही है, ये सारी सुविधा किसी के शिक्षा के पढ़ने वाले बच्चों को ही मिल रही है 9वीं 10वीं में, इसमें विधवा हो गई, बहुत सारी पेंशन वगैरह सब है, ये सब शिक्षा को लेके ही है। बस ज्यादा हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि जो कार्यकाल में जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर जानेंगे कि जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस तरह के कार्य हो रहे हैं। अभी साथी कह रहे थे, विकास गिना रहे थे, मैं कहना चाह रहा हूँ जो इस शहर के अंदर जो सीवरेज का जो काम चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, पैसा वहाँ से आ रहा है। इसके बाद हर घर नल योजना का जो काम चल रहा है शहर के अंदर वो सेंट्रल का सारा पैसा है। जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं सेंट्रल का पैसा है, इसलिए इस चीज को समझना चाहिए जो जो ये विकास जो गिना रहे हैं वो विकास भारतीय जनता पार्टी और केंद्र केंद्र सरकार का पैसा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कह रहा हूं मैं, इस शहर की बात नहीं, प्रत्येक गांव में हर घर नल योजना की बात है तो सेंट्रल का पैसा है। आज ये जो विकास गिना रहे हैं शहर के अंदर सीवरेज का सारा पैसा है वो सेंट्रल का पैसा है, इसलिए इस विकास को आप उस भाग में मत करें। जैसा कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने अभी बताया कि शहर में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, और आज वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिला बांसवाड़ा पूरी तरह से हतोत्साहित हो गई। ये आपस में इतने बौखलाहट हो गई पूरी पार्टी में, विधानसभा में 5-5 प्रत्याशी है, आज इनके कार्यकर्ता नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनका वास्तविक नेता कौन है, किसके नेतृत्व में काम करना है। और जहां तक बात है और हमारी शुभकामना इनके साथ कि ये 5 में से 6 में से 8 में से जो भी है इनके साथ वो आपस में बैठ के तय कर लें, उसके बाद ये शहर के विकास और डेवलपमेंट और इसकी जो बातें हैं ये सब अभी अगर यहां मैं ये कह दूं कि आप दावेदार हैं तो यहीं पे अभी आपके यहीं विवाद हो जाएगा। ये जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उसका आप क्या कहेंगे? अभी मैं हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, विकास आपने जो क्वेश्चन किया उनका विकास के ऊपर, ये उठ के आगे कि भारतीय जनता पार्टी में इतने दावेदार हो गए। अरे भाई साहब, मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे पास तो नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है, आपके पास तो मात्र एक नेता है उसको लेके घूम रहे हो, आप किसी को आगे नहीं आने देते आपकी पार्टी में। हमारे पास तो इतने नेता है जो दावेदारी करते हैं, और ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब नेता बनते हैं, और कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी, और कार्यकर्ताओं को निर्माण करती है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। आप विकास की बात करो, विकास के नाम पे मंत्री के पुत्र का विकास हुआ, इसके अलावा किसी का विकास नहीं हुआ है। हम और भी जानेंगे कि यहाँ की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर बात करेगी। अब जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें किस मुद्दे पर आप? प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार और बांसवाड़ा में नगर परिषद का बोर्ड आया है पूरी तरह से विफल और फेल हो चुका है। बात रही प्रदेश सरकार की, तो जिनके डिप्टी सीएम रहे वो उनके सरकार की कुनीतियां और अव्यवस्थाओं के लिए धरने पर बैठे, और उनके जो मंत्री है राजेंद्र जी गुड्डा वो लाल डायरी लेके घूम रहा है, और उस मंत्री की ये स्थिति है कि उसको लात घूसे मारकर बाहर निकाला जा रहा है। जिस सरकार में उनके डिप्टी सीएम और मंत्री की ये स्थिति है वो आम जनता की क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। बात रही नगर परिषद की, तो नगर परिषद का जब से बोर्ड बना है विकास के नाम पर बांसवाड़ा शहर की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि बांसवाड़ा शहर खड्डे में है, सड़क खड्डे में है कि खड्डे में सड़क है। बात रही विकास की, तो इन्होंने कागदी पिकअप के ऊपर जो रोकवे बलून का काम किया वहां पे भी बांसवाड़ा के 2 युवकों का बलिदान हुआ। बात रही सीवरेज की, जो हमारे इन्होंने बोला कि आपकी पूर्व सभापति ने क्या काम किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज जो स्वच्छ भारत मिशन का कार्य हो रहा है और रात में जो सफाई का कार्यक्रम हो रहा है वो मंजू वाला पुरोहित के कार्यकाल में हो रहा है। ये बात अलग चीज है कि आप पच नहीं रहा है आपको। धरातल पर आज भी जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। बात रही मोहन कॉलोनी में 1,16,00,000 के ऊपर जो पाथवे बनाया, आज पूरा पाथवे उड़ गया है भ्रष्टाचार में। माई अपने कागजी के ऊपर मोक्षधाम है जहां आस्था का केंद्र होता है, वहां पर 1,00,00,000 रुपए में लोगों के नहाने की व्यवस्था की। इन्होंने हिंदुत्व को तो बिल्कुल चरण सीमा से हटा दिया है, और वहां पर आज लोगों को जलाया जाता है, वहां लोगों को जलाया जाता है, और वहां पर जबकि कागजी पर हरदेव जोशी जी के समय से वहां पर स्विमिंग पूल बना हुआ था। ये चाहते तो पैसे का उपयोग करके उस स्विमिंग पूल को रिपेयर करके आस्था को भी बचा सकते थे और व्यवस्था को भी बचा सकते थे।
नगर में पूरा त्रस्त हो गए हैं, जनता परेशान परेशान हो गए हैं। जो पोर्टल चल रहा था खास सुरक्षा, मोदी जी की योजना थी वो योजनाएं बंद करा दी और नाम बदल दिया, हर योजनाओं का नाम बदल दिया। और जो भी पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार से ही आ रहा है, जल शक्ति योजना है, रोडों के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, सब पैसा केंद्र सरकार से आया। खाली वाहवाही उठा रहे, जनता त्रस्त है नगर की, प्रदेश की। वो पुराना मंजूबाला के बोर्ड में सेंशन हुआ पैसा वो लग रहा है, जो मंजूबाला के समय में पैसा सेंशन हुआ था वो पैसा का अभी उपयोग हो रहा है। और पूरी तरह से जनता नगर की और प्रदेश की जनता, वो राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, सीएम आरपीएससी का सदस्य है बाबूलाल कटारा, उसने पेपर बेचे, वो अखबार में सराम आया। हमारे साथ पार्षद भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह का कार्य हो रहा है। सबसे पहले तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूंगा, 5 जनवरी 2021 को बांसवाड़ा शहर में RUIDP के द्वारा सीवरेज का काम शहर के अंदर चालू हुआ और वो कार्य वार्ड नंबर 29 से स्टार्ट हुआ। पर वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि आज 2 साल भी बीत जाने के बाद भी सीवरेज का कार्य अभी अधूरा है और इनका MOU था कि 2026 तक इनको कार्य पूर्ण करना था, पर ये अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2024 में चुनाव के पूर्व ये काम करवाना चाहते हैं। और आज शहरों की यह हालत है कि 2 साल पहले जो डामरीकरण के कार्य हुए, 2000 कार्य जो 2023 में 23 से पूर्व ही लाभ लेने के लिए जो है सोच रहे हैं, पर अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि पूरे डामरीकरण के जो रोड है वो पूरे रोड पूरी तरह से बिखर चुके हैं, खराब हो चुके हैं, घटिया क्वालिटी का निर्माण किया जा रहा है और नगर परिषद की इसके ऊपर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। इस मुद्दे को कई बार हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है पर वहां से प्रशासन के द्वारा भी, शासन के द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत बदतर हालत है। और वार्ड के प्रतिनिधि होने के नाते हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है और दुखी है और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में घर भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाई साहब, जैसे कि इन्होंने, हमने जैसे ही विकास की बात करी, इन्होंने जैसे पलटी मारी धर्म पे, इन्होंने जैसे धर्म पे आए, मैं, मेरा कहना यह है कि अगर राजनीति में अगर धर्म होगा तो राजनीति भी फलेगी फलेगी फूलेगी, लेकिन धर्म में अगर राजनीति जाएगी तो धर्म का भी विनाश होगा और राजनीति का विकास होगा। जिस तरह रावण ने भगवा चोला पहन के सीता हरण किया था, ये वही भगवा चोला पहन के बोली भाली जनता का हरण करना चाहते हैं, बोली भाली जनता का हरण करना चाहते हैं धर्म को बीच में लाकर। हम विकास की बात करते हैं, ये वापस उसी हिंदू मुसलमान की बात करके कहीं ना कहीं लोगों को भटका रहे और ये पूरे पूरी जगह इन्होंने यही काम किया। हम बात करते हैं शिक्षा की तो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, हम बात करते हैं वापिस रोटी की, कपड़ा की, मकान की, सब, और ये धर्म आपस में लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, ये वापस सभी लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप पूरे 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 देश में देख रहे हो कि कहीं ना कहीं धर्म को बीच में लेके और विकास को परे हटा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। समय से पहले नहीं, समय के देखते हुए जो योजना बनाई गई है ये सब आगे देख के बनाई जाती है और जो विकास का जो काम हुआ है ये आप सामने देख रहे हैं शहर में। और ये लोग, वो जो सर ने बोला अभी, मनीष जी ने भी बात, अगर मैंने नटू भाई ने बताया है कि शहर में अभी तक जो हुआ है, भले वो माही डैम से लेके देखो और अभी तक जो बड़े बड़े आज तक जो भी योजना करी है वो कांग्रेस सरकार की देन है, ये पूरी पब्लिक जानती है। ये तो बस लोगों का मुद्दे से हटाने की बात है कि आप हिंदू और मुस्लिम हो और ये जय श्री राम बोल के बताते, बाकी हिंदू राम किसी बबोते नहीं है, धर्म सभी के लिए है, सभी के लिए समान है और हम सभी के धर्मों की सम्मान करते हैं, इसलिए जय कांग्रेस। यहाँ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो क्षेत्र में आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर आप क्या कहेंगे, विधायक द्वारा क्या करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 के अंदर आई थी, ये वादे के साथ में आई थी कि 1 से 10 की गिनती करो, किसानों का जितना भी कर्जा है सारा का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आज आपके सामने 4.5 साल होने जा रहे, सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा, 19,425 किसानों की जमीन को नीलाम कर दिया गया है कर्जे के कारण, लेकिन आज दिन तक वो कर्जा कोई माफ नहीं किया गया, कोई माफ नहीं किया। अगर माफ किया होता तो 19,425 किसानों की जमीन नीलाम हुई पूरे राजस्थान के अंदर, जो इतिहास है। और साथ में जहाँ विकास की बात कह रहे हो आप, आज शिक्षा जैसे पवित्र स्थान पे आज मैं कह सकता हूँ, हमारे छोटी सरवन के अंदर कॉलेज खुला 4 साल हो गए, गागरतला में कॉलेज खुला 4 साल हो गए, सज्जनगढ़ में कॉलेज खुला 4 साल हो गए, मात्र एक टीचर के आधार पे पूरा का पूरा सेशन निकल गया। शिक्षा जैसी पवित्र पवित्र संस्थान के साथ में भी खिलवाड़ किया और वहां पर जो आने वाले बेरोजगार हैं उनके भविष्य के साथ में भी सरकार ने खिलवाड़ किया। आज वहां पर बीए करके लड़के निकल गए, लेकिन मात्र एक टीचर, ना तो सस्ता स्कूल कॉलेज का ठिकाना, न स्टाफ का ठिकाना, न बच्चों के बैठने का ठिकाना, ये इन्होंने पूरा का पूरा बेरोजगार बच्चों के साथ में घोर अन्याय किया है। और यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित हुई है, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी जैसी बहुत बड़ी संस्था है, वहां पर आप कितना स्टाफ है,
आप देख लीजिए वीसी थे अभी रिटायरमेंट हुए, लेकिन उन वीसी साहब के टाइम में भी मुश्किल से 5 से 6 स्टाफ पूरी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पूरा का पूरा बट्टा बिठा दिया इस कांग्रेस की सरकार ने, और बेरोजगारों के साथ में सरेआम अन्याय किया है। रीट के एग्जाम ले लो, आरएस के एग्जाम ले लो, सीनियर टीचर के एग्जाम लो, 16 बार पेपर लीक करके इन बेरोजगारों के साथ में पूरा अन्याय किया है कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार ने। यहाँ लगातार शिक्षा को क्षेत्र को लेकर बात हो रही है, अब हम जानेंगे कि शिक्षा जो सरकार शिक्षा के बारे में बात कर रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, किसी भी सरकार के जो कार्य है उसको सिरे से नकार देना कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है तो पूरी तरह से बेईमानी है। और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। आप 2019 की फोटोग्राफ देखें, ये नालियों के हालत थे, आप इस पर फोकस करेंगे, नालियों के डिवाइडर्स के, आप ये गार्डन देखिए, आप 2019 का फोटो है, आप वार्ड नंबर 57 की नालियां देखें, यानी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था, कुछ भी नहीं। हम मोदी उस समय बीजेपी समर्थक में बहुत वोट किया, हम 2.5 साल में समझ गए थे कि देश को बर्बाद कर देंगे। आज कोई भी चौराहा देख लो आप, सारा डेवलप कांग्रेस का है। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, 3500 रुपया बेरोजगार लोग बेरोजगारी भत्ता उठा रहे, कौन सी सरकार ने दिया? सबको मिल रहा है, आप चेक करें, आप सरकार ने, आप सुनिए, सरकार ने उस सब, आप अगर आपने आपने अगर डेवलपमेंट किया होता, आपने आपने डेवलपमेंट किया होता तो जनता आपको उठाती नहीं। अगर आपने आपने अगर विकास किया होता तो आपको जनता वहां से उतारती नहीं। और जहां तक राजनीति की बात है, विकास की बात है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बच, नारे लगाने से या हिंदू मुस्लिम करने से कुछ भी नहीं होगा। हमारा विकास एक एक बात, केवल विकास की बात नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमको देना आता है, और चिकित्सा, कितने कॉलेज स्वीकृत की गई, कितने हॉस्पिटल स्वीकृत किए गए, कितने डॉक्टरों की भर्ती की गई, कितने अध्यापकों की भर्ती की गई, कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए जो इन्होंने करके दी हो, सिर्फ सिर्फ नाम।